खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरकार हो इसमें क्या बात है, जो होगा उसकी हम किसी को वोट नहीं, हमारा जो काम करवाओगे हम वोट उसी को। हमारी ये मांग है कि हमारी चौपाट बढ़िया एक बारी 5 लाख रुपए मंजूर करे दे सरपंच साहब, ना तो हम ना दो सरकार की रह देंगे ना ही कहा जो हमारी चौपाट करेगा उसकी हम। विधानसभा क्षेत्र के गांव भैसवान में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। यहां पे मौजूद दलित लोगों की चौपाड़ खस्ता हाल है। आपको बता दें कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं के पास गुहार लगा चुके हैं ये लोग। जब 10 साल हुड्डा की सरकार रही तब भी पैसा आया था, लेकिन सरपंच ने साठ गांठ से इस चौपाल में एक नया रुपया भी लगाने का काम नहीं किया। और इसी तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं के पास ये दलित फरियाद लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन आप जिस तरह से तस्वीरें देख पा रहे हैं चौपाल की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ पे कोई भी शादी ब्याह के लिए भी आयोजन नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ये चौपाल आवारा पशुओं की आरामगाह बन चुकी है। यहाँ पे शरारती किस्म के लोग देर शाम यहाँ पे मौजूद रहते हैं। चौपाल का काम ना होने से गुस्साए दलितों ने कहा है कि इस बार वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, क्योंकि ना ही कांग्रेस ने ना ही बीजेपी ने उनकी सुध ली है। हाँ, उन्हें आशा और उम्मीद ये है कि अगर बीजेपी समय रहते इनकी चौपाल का ख्याल करती है और जो भी ग्रांट इसके लिए मंजूर होती है और इस चौपाल की मरम्मत करा दी जाती है तो वो निश्चित रूप से बीजेपी के साथ जाने का काम करेंगे। क्या समस्या है? समस्या चौपाड़ की है, हमारी चौपाड़ खंडर ही पड़ी है, ठीक है, और इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। कई जगह हम जा चुके हैं, एमपी या एमएलए के पास भी जा चुके हैं, उन्हें कोई भी योगेश्वर के गए थे, संजय भाटिया के पास गए थे, तो क्या कोई सुनाई नहीं करी। एप्लीकेशन दे आए थे वो ठाक मतलब के बेरा में लाई ना लाई। कब गए थे? वो हो गए होंगे 20-25 दिन। अच्छा, ठीक है, मांग पूरी नहीं होगी तो हम अपना हिसाब तो करें, हम वोट नहीं देंगे किसी को भी।